तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चेंग फैमिली के तीन बुलीज जोंगताई को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं और जोंगताई भी गुस्से में आकर उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ किन मेंशन में किन मोई का पापा पैट्रिक जोंगताई को बहुत बुरी तरह से डांट रहा था और कह रहा था कि तुमने ये चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया, वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम उनसे कभी नहीं जीत सकते। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि ली फैमिली अपना बिजनेस किन फैमिली के घर के सामने लगा देती है, जिन्हें देखकर पैट्रिक सोचता है कि हमारे वेपन का बिजनेस तो पहले ही बुरा चल रहा था और अब इनके यहाँ आ जाने के बाद तो मुझे लगता है कि हमारा बिजनेस पूरी तरह से डूब जाएगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि ली फैमिली के वही दो दुकानदार किन मेंशन के सामने आकर कहते हैं कि पैट्रिक अब किन फैमिली के हथियारों के बिजनेस का टाइम खत्म हो चुका है, अब ये एक नया दौर है जहां लोगों को पावरफुल और अच्छे हथियार चाहिए। और इसी तरह की बातें करके वो लोग किन फैमिली की बेइज्जती कर रहे थे। पैट्रिक उसे रोक कर कहता है हमारे हथियार किसी से कम नहीं, जिसके जवाब में ली फैमिली का दुकानदार कहता है तो क्या उनमें इतनी ताकत है, और वो अपनी एक तलवार निकाल कर शो करवाता है जिसमें से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकल रही थी, जिसे देखकर किन पैट्रिक और आसपास के लोग भी हैरान हो जाते हैं। तो किन पैट्रिक अटकते हुए बोलते हैं हाँ बिल्कुल हमारी तलवारों में इससे भी ज्यादा ताकत है। ये सुनकर वो दुकानदार कहता है ऐसे बातें करने से क्या फायदा, क्यों ना तुम्हारे और मेरे हथियारों के बीच एक कॉम्पिटिशन हो जाए। वहाँ आसपास खड़े लोग भी बातें करने लगते हैं हाँ बिल्कुल एक मुकाबला होना ही चाहिए ताकि हम लोग जान सके कि किसकी तलवारें अच्छी है। अब किन पैट्रिक के पास कोई रास्ता नहीं बचता इसलिए वो भी हाँ कर देता है। ये सुनकर उनका सर्वेंट कहता है मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतने पावरफुल वेपन्स है। किन पैट्रिक कहते हैं तुम फिक्र मत करो हमारे गोदाम में डायमंड वेपन्स पड़े हुए हैं, वो वेपन्स बाकी के वेपन्स से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम जाओ और वो बॉक्स उठाकर ले आओ। ये सुनकर उनका सर्वेंट कहता है जैसे आपकी मर्जी। जोंगताई भी चुपकर उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। अब जोंगताई सोचता है कि ये एक अच्छा मौका है खुद की पावर्स को टेस्ट करने का, तो वो इसलिए चुपके से गोदाम में चला जाता है जहां बहुत तरह की चीजें पड़ी हुई थी। जोंगताई वहां पड़े सोर्स के सामने खड़ा होकर सोचता है जरूर यही डायमंड्स वेपन होंगे। तो अब जोंगताई अपनी पावर से उन सोर्स को अपग्रेड करने की सोचता है। जोंगताई एक रिफाइंड टेक्निक कास्ट करता है जिसकी वजह से जोंगताई की ब्लू ऊर्जा उन सोर्स में अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाती है। अब सोर्ड रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जोंगताई देखता है कि वो तलवार अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी। ये देखकर जोंगताई खुशी के साथ कहता है लगता है गॉड ऑफ लाइफ काफी ज्यादा पावरफुल थे क्योंकि उनकी थोड़ी सी ऊर्जा के साथ मैंने ये तलवार पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग कर दी है। वो ये सब सोच रहा था कि तभी उनका सर्वेंट वहां पर आ जाता है। वो सर्वेंट उसको ऐसी पोजीशन में देखकर कहता है कि जोंगताई तुम ये क्या कर रहे हो, बाहर ऐसी सिचुएशन चल रही है और तुम यहाँ चोरी करने के लिए आ गए हो। जोंगताई ये सुनकर हैरानी से कहता है मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया बल्कि मैं तो यहाँ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, जो सुनकर वो सर्वेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जोंगताई कहता है चलो भी टाइम वेस्ट करने के बजाय ये बॉक्स उठाने में मेरी मदद करो। वो सर्वेंट कहता है हाँ हाँ बिल्कुल और वो दोनों मिलकर उस बॉक्स को उठाकर बाहर ले आते हैं। अब जोंगताई वो बॉक्स ओपन करके ली फैमिली के सामने रख देता है और कहता है देखो ये हमारे हथियार है। ली फैमिली का वो दुकानदार ये वेपन्स देखने के बाद सोचता है कि ये लग तो काफी पावरफुल रहे हैं और दिखने में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और यूनिक है, लेकिन इनकी असली ताकत पता लगाने का एक ही रास्ता है। और इसी के साथ वो अपनी तलवार निकाल कर कहता है कि तुम लोगों ने कहा कि ये वो तलवारें हैं जिन्हें ऊर्जा के साथ रिफाइन किया हुआ है तो मुझे टेस्ट कर लेना चाहिए। और इसी के साथ वो अपनी तलवार निकाल कर एक पावरफुल स्प्लैश करता है। वो स्प्लैश काफी ज्यादा पावरफुल था यहाँ तक कि उससे किन फैमिली के मेंशन का दरवाजा तक टूट जाता है, पर किन फैमिली के वेपन्स को कुछ नहीं होता, उल्टा ली फैमिली की ही सोर्ड टूट जाती है। ये देखकर वहाँ आसपास खड़े लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि इससे ये तो साबित हो गया कि किन फैमिली के वेपन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइसी फैमिली तो बस ऐसे ही दिखावा करती है, इसीलिए हम आइंदा से किन फैमिली के वेपन्स खरीदेंगे क्योंकि उनमें ऊर्जा काफी ज्यादा है। यहाँ किन पैट्रिक भी ये देखकर हैरान थे कि उनकी सोर्स आखिर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई, क्योंकि उन्हें अपनी सोर्स के बारे में अच्छे से मालूम था कि वो इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि ली फैमिली के पावर स्ट्राइक्स को रोक सके। यहाँ ली फैमिली के वो दुकानदार जान छुड़वाने के लिए कहते हैं माफ करना लगता है हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और माफी मांगते हुए वो लोग वहां से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोंगताई उन्हें रोककर कहता है तुम्हें जाने की इतनी भी जल्दी क्या है। वो दुकानदार भड़क कर कहते हैं बच्चे अब तुम्हें क्या चाहिए। जोंगताई कहते हैं तुम लोग यहाँ आए और हथियार चेक किए इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम लोगों ने हमारे किन मेंशन का दरवाजा तोड़ दिया है तो तुम्हें उसकी कीमत अदा करनी होगी। ये सुनकर ली फैमिली का वो दुकानदार सोचता है आखिर एक दरवाजे की कितनी कीमत हो सकती है, तुम बस नाम बोलो और मैं तुम्हें दे दूंगा। जोंगताई थोड़ा सोचकर कहता है कि ये दरवाजा सिंकमोर और फिनिक्स वुड से बना हुआ था जो कि काफी ज्यादा रेयर और कीमती होता है, तो तुम लोगों को 10,000 टेल्स देने होंगे। ये सुनकर वो दोनों दुकानदार शॉक हो जाते हैं कि आखिर एक दरवाजे की इतनी कीमत कैसे हो सकती है। उनकी ऐसी हालत देखकर किन मोई को भी हंसी आ जाती है। यहाँ पास खड़े लोग बातें करने लगते हैं क्या ये दरवाजा सच में सिंकमोर और फिनिक्स वुड से बना हुआ है, फिर
तो ये वाकई में ही बहुत ज्यादा कीमती होगा। यहाँ किन पैट्रिक भी ये देखकर हैरान था कि आखिर इतने सालों बाद वू जाओ को हमारी फैमिली की फिक्र कैसे हो गई। अब ली फैमिली का एक एल्डर बढ़क कर जोंगताई से कहता है, तुम तो किन फैमिली के सिर्फ एक कुत्ते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। यहाँ किन पैट्रिक जोंगताई की तरफ से कहते हैं, सोच समझ के बात करो, तुम उसके अंकल के सामने उसे बुरा भला नहीं कह सकते। इस एल्डर को ये बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ खड़ा दूसरा एल्डर उसे समझाता है कि ये वक्त लड़ने के लिए सही नहीं, हम बाद में अपना बदला ले लेंगे। तो वो दोनों 5000 टेल्स निकाल कर जोंगताई को देने लगते हैं। जोंगताई सोचता है कि उनको ये पैसे देते हुए जरा सा भी दुख नहीं हो रहा, लगता है मैंने इनसे कम पैसे मांग लिए है। तो जोंगताई एक्टिंग करते हुए कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। वो एल्डर्स कहता है, हम तुम्हें 10000 टेल्स दे रहे हैं जैसा कि तुमने मांगे थे। जोंगताई कहता है, लगता है तुम लोग मेरी बात नहीं समझे, मैंने 10000 एक को और 10000 दूसरे को देने को कहा था, क्योंकि ये दरवाजा काफी ज्यादा महंगा है। ये सुनकर उन दोनों एल्डर्स को बहुत बड़ा शॉक पड़ता है और वो एक एल्डर गुस्सा होकर जोंगताई पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा एल्डर उसे रोक कर समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये वक्त लड़ने के लिए सही नहीं। इन दोनों की ऐसी हालत देखकर किन मोई और उसके पापा को भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अब ली फैमिली के एल्डर्स जोंगताई को 20000 टेल्स देकर वहां से चले जाते हैं। जोंगताई उनसे पैसे लेकर काफी ज्यादा खुश था और वो जल्दी से भागकर ये पैसे किन पैट्रिक को दे देता है। जोंगताई को उम्मीद थी कि अभी किन पैट्रिक उसकी काफी ज्यादा तारीफ करेंगे और उसे शाबाशी देंगे, लेकिन किन पैट्रिक जोंगताई से कहता है, अब वापस हॉल में जाकर ट्रेनिंग करो और बाहर मत आना। ये सुनकर जोंगताई कहता है, मैंने तो इतना अच्छा काम किया लेकिन आपने मुझे कोई शाबाशी ही नहीं दी। किन पैट्रिक अपनी लाठी निकालकर उसे कहते हैं, तुम्हें शाबाशी चाहिए। ये देखकर जोंगताई को अपनी तशरीफ पर होने वाला दर्द याद आ जाता है और वो भागते हुए कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अब जोंगताई के वहां से जाने के बाद किन सर्वेंट एक तलवार लाकर किन पैट्रिक को दे देता है। किन पैट्रिक वो तलवार अच्छे से देखने के बाद सोचते हैं कि इन तलवारों में इतनी ज्यादा ऊर्जा तो नहीं थी, आखिर ये कैसे हो गया, और वो अपने सर्वेंट से पूछते हैं, क्या कोई गोदाम में गया था, जिसके जवाब में उनका सर्वेंट कहता है, नहीं मेरे सामने तो कोई गोदाम में नहीं गया, लेकिन हाँ जब मैं वो तलवारें लेने गया तो वहां पर पहले से ही जोंगताई मौजूद था। जोंगताई का सुनकर किन पैट्रिक काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जोंगताई में तो इतनी ज्यादा पावर्स नहीं है, कहीं जोंगताई के पापा का तो इसके पीछे कोई हाथ नहीं, क्योंकि वो अपने जमाने में काफी ज्यादा पावरफुल रह चुके हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो